ओके क्या चल रहा है आज काफ़ी सारी मस्ती हो रही है क्लास में हमने देखा क्या हो रहा है एग्जैक्टली नैना एग्जैक्टली कुछ नहीं हम बस टीचर का वेट कर रहे हैं क्लास में आने का उससे पहले जो नैना है वो अपने होमवर्क में बिजी है बाकी जो लड़के हैं वो अपनी मस्ती में बिजी हैं कोई कुछ खा रहा है या वो लोग अपनी बातें कर रहे हैं मस्ती और जो लड़कियां हैं वो अपनी शादी की बातें करने में ज़्यादा बिजी हैं तो नॉर्मल जो एक क्लास का माहौल रहता है किसी टीचर के आने से पहले बिल्कुल वैसा ही माहौल हमारी भी क्लास का है और मस्ती तो हम लोग पूरा दिन करते रहते हैं पर कितना बिलीव करती है हाथ में जो हस्बैंड का नाम एंड ऑल उसमें नैना कितना बिलीव करती है नैना उसमें बिल्कुल नहीं करती है लेकिन जब वो ये सुनती है कि दिखता है बट वो समी के बारे में जब सोचती है तो उसे हर चीज़ पर बिलीव हो जाता है जैसे हम भगवान पर बिलीव करते हैं पत्थर की मूर्ति में वैसे ही इफ़ इट्स अबाउट समीर तो वो हर चीज़ में बिलीव कर लेती है और उससे पहले किसी में थोड़ा सा जेलसी भी नज़र आई आज नैना के चेहरे पे वो क्यों था एग्जैक्टली क्योंकि वो समीर को बहुत ज़्यादा पसंद करती है और वो किसी दूसरी लड़की के मुँह से उसका नाम सुन भी नहीं सकती मतलब कोई दूसरी लड़की उसे देख भी रही है तो क्यों देख रही है उसे वैसी फीलिंग्स आती है ओके और जो रोमांटिक मोमेंट्स हमने देखे उसके बारे में लास्ट ईयर रोमांटिक मोमेंट्स हमारी स्टोरी के लिए बहुत ज़रूरी है इट्स अ लव स्टोरी एंड प्लस फैमिली ड्रामा तो दैट्स हाउ रोमांटिक मोमेंट्स हमारे बीच में ऐसे ही बिल्डअप है क्योंकि हम लोग आपस में बात नहीं करते लाइक नैना एंड समीर डजंट टॉक टू ईच अदर वो लोग बस एक दूसरे को देखते ही हैं और नैना जब भी उसे देखती है तो उसके लिए तो सच में हवाएं चलने लग जाती हैं सो दैट्स द रोमांस फॉर नैना Thank you so much.